कौन सी गल सीधी अजी, इससे शादी क्या होगी? मेरा सर। गुरुजी, गुरुजी। अरे 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 भाई, कौन हो तुम? गुरुजी, मैं हूँ आपका राजा। राजा? हाँ। अरे गुरुजी, मेरी माँ चल बसी। हाँ बेटा, बेचारी ने तेरा नाम ले लेकर प्राण त्याग दिए। गुरुजी, सुना है कि लक्ष्मी को आपने किसी अनाथालय में दाखिल करा दिया था। तुझे नहीं पता बेटा, इसी शहर में कमलाबाई कन्या अनाथालय है, वही तो है वो। लेकिन गुरुजी, मैं तो वहाँ गया था, वहाँ के मैनेजर साहब ने कहा कि यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई लड़की नहीं। तुम्हारी सूरत और लिबास देखकर कौन सच कहेगा? जरूर कहा होगा, जरूर कहा होगा। गुरुजी, मैं एक बार फिर वहाँ जाता हूँ। जरूर जाओ, मगर देखो कोई होशियारी ना कर बैठना, अगर कोई भूल चूक हो गई तो तुम्हारी बहन इस रहस्य है। जी, मैं सीताराम हूँ। लेकिन ये तो लड़कियों का अनाथालय है, तुम्हें यहाँ किसने दाखिल किया? जी, मैं इस अनाथालय का मैनेजर हूँ श्रीमान, पधारिए। तुम भी बैठ सकते हो। जरा लक्ष्मी को बुलाना। लक्ष्मी को? मैं उसका भाई हूँ, जरा जल्दी बुलाओ उसे। पागलों की तरह क्या देख रहे हो? क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मैं ये सोच रहा था कि लक्ष्मी ने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि उसका कोई भाई भी है। ओ ऐसी, दरअसल मैं मर गया। मर गए थे तो फिर आज यहाँ कैसे? अब मैं सचमुच नहीं मरा था, लोगों ने ऐसा समझ लिया था। लड़ाई के जमाने में मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया था। बहुत दिनों तक जब मेरे रिश्तेदारों को मेरा कोई पता ना चला तो वो लोग मुझे मुर्दा समझ कर रो पीट बैठे। अच्छा, तो अभी तक लक्ष्मी को भी पता नहीं कि आप जिंदा है? मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। रामदास, अरे ओ रामदास, लक्ष्मी से जाकर कहो कि उससे कोई मिलने आया है, फौरन दफ्तर में चली आए। सुनो, बोलो अर्जेंट। अच्छा जी, जाओ। क्षमा कीजिए श्रीमान, आपका शुभ नाम? राजा लाल बहादुर। राजा से आपका मतलब? लड़ाई में एक पूरी उसको दुश्मन से बचाने के सिले में गवर्नमेंट ने मुझे राजा का खिताब दिया था और इनाम में 50 गांव भी। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया श्रीमान। क्या है मेजर साहब? ये श्रीमान तुमसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मी, मैं तेरा भाई। लक्ष्मी, 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 मेरी भैया, तुम कहां थे भैया मुझसे मिलने के लिए? लक्ष्मी, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आखिर तुम मुझे मिली गई। मेरी बहन, लक्ष्मी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है। अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का शौक था, वो भी पूरा हो जाएगा। जाओ अपना सामान बांध लो। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तो सिर्फ इससे मिलने आया था। अभी तो मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं, बिजनेस के सिलसिले में आज हिंदुस्तान, कल बर्मा, परसों जापान होता हूँ। फिर भी हैदराबाद में एक बहुत बड़े बंगले का सौदा कर रहा हूँ। जी ही सौदा हो जाता है मैं लक्ष्मी को ले जाऊंगा, तब तक आप इसे अपने ही पास रखिए। कोई बात नहीं, जहाँ अब तक हमारे पास रही कुछ दिन और सही। भैया, तुम लौटोगे कब तक? कॉलेज तो 15 तारीख तक खुल जाएगा। तो क्या हुआ, मैं अगर यहाँ ना भी हुआ तो तुझे तेरी सुपरिंटेंडेंट कॉलेज में दाखिल करा देंगी। लक्ष्मी का मतलब कुछ और है, कॉलेज में दाखिल होने के लिए दाखिले की फीस और किताबों की जरूरत भी तो होगी। ओ, रुपए की जरूरत है? ये तो बड़ी मामूली सी बात है। बनवा लेगी। श्योर श्योर, मैं 14 तारीख तक किसी का हाथ कैश या मनी ऑर्डर भिजवा दूंगा। माफ कीजिए, मुझे हवाई जहाज पकड़ना है। अच्छा, नमस्ते। अच्छा लक्ष्मी। भैया, तुम्हारा कोट। ओ हाँ, तुझे किसने कहा था कि नए नौकर को सीधे 10 रुपए दे दे? नौकर भी हाथ से गया और 10 रुपए भी। आप तो सारी दुनिया को चोर समझते हैं। लो, वो आ गया। ओ, आ गया। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब बता, सुबह से लेकर अब तक कहाँ था? हैं? ओ माँ, सब्जी भाजी भी नहीं लाया। अरे भाई, वो 10 का नोट कहाँ है? हुजूर, मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था तो सामने से एक मोटर कार बिजली की तरह आई और एक गर्भवती औरत से टकरा गई। ओ माँ, हाय राम। वो बेचारी औरत तो सड़क से 101 गज परे जाकर गिरी और नन्ना सा बच्चा सड़क की दूसरी तरफ हलवाई की दुकान पर जाकर गिरा। नन्ना सा बच्चा? हाँ राजा, फिर क्या हुआ रे? फिर क्या हुआ? हाँ, होना क्या था, देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। मैं भी 2 मिनट के लिए उस औरत को देखने गया। अब आप इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या अपनी, वो बेचारी औरत मेरी माँ की मौसी निकली। मौसी? हाँ, गांव से शहर में अपनी लड़की की शादी के लिए नए जेवर बनवाने आई थी।
बेचारे का एक हाथ तो बिल्कुल ही कट गया, दूसरा कटते कटते रह गया, मरने ही वाली थी, लेकिन लेकिन क्या, तिनके को डूबते का सहारा, मुझे देखकर बेचारी को जिंदगी की किरण नजर आई और मैं भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे 10 के नोट का क्या हुआ? फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तरकारी खरीदने के लिए 10 रुपए का नोट है। मैंने फौरन टैक्सी मंगवाई और उस बेचारी को बेहोशी की हालत में सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। तो उस 10 के नोट में से कुछ बचा भी है या नहीं? आग लगे 10 के नोट को, खर्च भी हो गया तो क्या हुआ।